सबसे पहले मैं मोहम्मद इस्लाम हमारे साथ बने हुए, जल्दी से सभी मेहमानों को चर्चा में शामिल कर देता हूं। इस्लाम साहब, देखिए आप विपक्ष को, आज राहुल गांधी अखिलेश यादव एक साथ नजर आ रहे हैं और आपका गठबंधन ना सीट को कोई लेकर ऐलान है और आरएलडी तो अभी इतनी डरी हुई है कि यह भी नहीं कह पा रही है कि हमारा गठबंधन हो गया है, हमें इतनी सीटें मिलने जा रही हैं, क्या है, क्या चल रहा है पर्दे के पीछे? देखिए रवि जी, आज का मुद्दा गठबंधन है, अलायंस है। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं पूरे देश में कि कल एक अलायंस हुआ कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का। आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ वो कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चला, दिल्ली में अन्ना जी ने आंदोलन किया, तो आज वो उनके साथ गठबंधन हुआ। और आप देखेंगे पहली बार देश में ऐसा गठबंधन है कि दिल्ली में तो साथ में लड़ेगा, गुजरात में साथ में लड़ेगा, हरियाणा में साथ में लड़ेगा, लेकिन पंजाब में आमने सामने लड़ेगा, यानी पंजाब में एक दूसरे को हराएंगे। तो आज का मेरे ख्याल से ये जो गठबंधन है ये एक मजबूरी का गठबंधन है। और मैं अपनी स्थिति साफ कर देना चाहता हूं कि हमारा जो हमारा हमारे अध्यक्ष जी जो बात कर रहे हैं एनडीए के साथ में वो बिल्कुल सकारात्मक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इस्लाम जी कंफ्यूजन ये भी है। आप ये देखिए कि जब किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे और जयंत चौधरी विपक्ष में थे तो वो किसानों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे, और आज जब किसान आंदोलन कर रहे हैं आप बीजेपी के पाले में जा रहे हैं तो आप चुप्पी खामोशी अपनाए हुए हैं। रवि जी, हम चुप्पी नहीं अपनाए हुए हैं, हम आज भी किसानों के साथ हैं, कल भी किसानों के साथ थे, हमारे अध्यक्ष जी बराबर सच में है अपना बीजेपी के नेताओं के, और हम किसानों की चिंता को समझते हैं। किसानों की मांग जायज है, ये बताइए, जो बीजेपी से डिमांड की जा रही है तो क्यों नहीं आप कह रहे हैं, जयंत चौधरी क्यों नहीं कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी कानून दे दीजिए? नहीं, हम तो पहले से कह रहे हैं कि ये मांग जायज है, इसका हल होना चाहिए, इस पर कोई समझौता नहीं है। ठीक है, कितनी सीटों का आपको डिमांड है ये पहले ये भी तो पता होना चाहिए। साथ समाजवादी पार्टी ने दी थी, बीजेपी से कितनी ले लेंगे आप? देखिए रवि जी, बात ये है कि बात सीटों की नहीं है, हमारे साथ वहां नाइंसाफी हो रही थी, ऐसे ही नीतीश कुमार जी के साथ भी, हमारे साथ भी, इसीलिए जो है हमें ये मजबूरी में फैसला करना पड़ा, नहीं तो हम 2022 में ईमानदार ये थे। मुझे ये बताइए इस्लाम साहब, समाजवादी पार्टी आपको 7 सीट दे रही है और खबर आ रही है कि बीजेपी आपको 2 या 3 सीट दे रही है, तो कौन नाइंसाफी कर रहा है? नहीं, नाइंसाफी की बात नहीं है, ये मुद्दे की बात है, ये मान सम्मान की बात है। हमारी जो बीजेपी के साथ सम्मान 3 सीट में है या 7 सीट में? ये तो देखिए 3 की 5 की बात नहीं कर रहा हूँ, जल्दी औपचारिक ऐलान हो जाएगा इसका। ठीक है, वो इंतजार रहेगा कि आपको कितना अंक दिया जाएगा। हमारे साथ